हेलो एंड वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। जय हिंद प्यारे मित्रों, खबर है कि फॉर्च्यूनर बैन होने जा रही है। अब आप कहोगे ये कैसी खबर है भाई, जो ना टीवी ना अखबारों में, और फॉर्च्यूनर बैन होगी ही क्यों, ऐसा क्या कर दिया? तो जिस रफ्तार से हेडक्वार्टर पर छापे पड़े हैं और जो राज वहां से निकल कर आए हैं, उनसे तो ऐसा ही लगता है कि टोयोटा मुसीबत में है। टोयोटा बोले तो फॉर्च्यूनर बनाने वाली कंपनी। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे गाड़ी बनाने वाली कंपनियां आपकी सुरक्षा के साथ झोल झाल करती हैं और कैसे टोयोटा इस मुसीबत में फंस गया। तो जी बात है 3 जून की। ये भाई साहब जो शाहरुख खान की तरह बाहें फैला खड़े हैं, ये जो है मीडिया के सामने जाकर कहते हैं कि जी हाँ हमसे हो गई गलती, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, सब अंडर कंट्रोल है। लेकिन तब तक जापान की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से कान खड़े हो चुके थे और उन्होंने इनके हेडक्वार्टर पहुंचकर फाइलों के अस्ते बस्ते पैक करके साइड में लगा दिए और इनसे पूछा, बेटा ये क्या कर दिए हो, लोगों की सुरक्षा के साथ काहे खेल रहे हो? ये सोच रहे थे कि मीडिया के सामने जाएंगे और रजनी अन्ना के स्टाइल में कहेंगे हमसे गलती हो गई और दुनिया मान लेगी। ऐसा नहीं हुआ, मामला उल्टा हो गया। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आएंगे 3 सवाल कि ये आदमी है कौन और इसने किया क्या है और कैसे किया है, चलो तो पता कर लेते हैं। तो जी वो आदमी था अकियो टोयोटा, टोयोटा कंपनी को चलाने वाली तीसरी पीढ़ी, जिनके दादा किचिरियो टोयोटा ने कंपनी की नींव रखी थी और इन्होंने अपने बाप दादा भाई सबकी इज्जत के जनाजे उठवा दिए। अब अगर गलत हरकत करोगे तो इज्जत के जनाजे तो निकलते ही। अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने किया क्या है। तो देखो जी, आपकी सुरक्षा की गारंटी के रूप में हर कार को एक सर्टिफिकेट जारी होता है। इन्होंने उस सर्टिफिकेट के साथ झोलझाल कर लिया। मतलब कहने का यह है कि कोई गाड़ी सड़क पर चलने के लिए सुरक्षित है कि नहीं, इसके लिए जो सर्टिफिकेट जारी होता है उसमें गड़बड़ झाला कर दिया। तो लोगों का ट्रस्ट तो इनकी गाड़ी पर बन गया, लेकिन असल में वो सुरक्षित थी नहीं। अब यहाँ पर ये भी सवाल आता है कि ये सर्टिफिकेट जारी कौन करता है और कौन कौन से टेस्ट करता है, और यदि कोई कार एक्सीडेंट में निकल जाए तो क्या उसके परिवार वाले उस सर्टिफिकेट की मदद से कोर्ट कचहरी जाकर मतलब थोड़ा बहुत मुआवजे वगैरह की डिमांड कर सकते हैं क्या? क्या ऐसा कोई कानून है क्या? अब देखो, अगर आप कोर्ट जाकर ये कहते हो कि जी देखो गाड़ी 5 स्टार रेटेड थी, मतलब अगर 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी को लेकर भी हम सड़क पर सुरक्षित नहीं है तो क्या घर से आप कफन बांध के चला करें? तो अगर आपने ऐसा कुछ करा तब कोर्ट आपसे ये कहेगा, बेटा साबित करो कि जो गाड़ी चला रहा था एक्सीडेंट में उसकी गलती नहीं है। अब अगर आप ये साबित कर सकते हो तो कुछ परसेंट चांस बनता है कि कोर्ट कुछ कर दे आपके लिए, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो भाई साहब कंपनी उल्टा आप पे डेफेमेशन यानी कि मान हानि का केस ठोक देगी, और ऐसे मामलों में कोर्ट जो है कंपनियों की सुनेगा। तो क्या अब इस बात का मतलब ये निकलता है कि सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी आप कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हो। देखो, अगर कोर्ट जाकर आप किसी तरह से ये साबित कर सको कि जी गाड़ी चलाने वाले की गलती नहीं थी, ये गाड़ी के अंदर सेफ्टी फीचर्स की कमी थी जिसकी वजह से ये आदमी आज नहीं रहा, उस केस में हो सकता है आपको कुछ पैसे वगैरह मिल जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो खर्चे के पर्चे लग जाएंगे और ये पर्चे आपको भरने पड़ेंगे। तो अगर आपके दिमाग में कंपनी से कुछ वसूलने का ख्याल आ रहा है तो सोच समझ कर कदम बढ़ाना। अब अगला सवाल ये आता है कि गाड़ियों को सुरक्षा की रेटिंग देता कौन है? तो जी ये काम करती है ARAI यानी कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यही है वो संस्था जो ये बताती है, मतलब हिंदुस्तान में चलने वाली गाड़ियों को ये बताती है कि बेटा तुम सेफ हो, सड़क पे दौड़ सकते हो, और तुम सेफ नहीं हो। वैसे ऐसा होता तो नहीं है कि ये किसी गाड़ी को रिजेक्ट कर दें? हाँ जी ऐसा ही है, मानो या ना मानो। लेकिन पहले ये जान लो कि आखिर ये कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला है प्रदूषण का टेस्ट। अब इसमें होता क्या है, ये ARAI वाले जो हैं अपने तंत्र मंत्र यंत्र जो भी ये यूज़ करते हैं उसको ले जाते हैं और ये जो धुआं फेंकने वाली नली है इसमें घुसा देते हैं। अब इसमें डालने के बाद, इसको स्टार्ट करने के बाद, ये कुछ एमिशन प्रोड्यूस करती है। अब जब तेल जलाएगी तो एमिशन तो प्रोड्यूस होगा ही, उस एमिशन का एक चार्ट बनता है जो कि आपके सामने है, और ये डाटा सीधा मैंने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट से निकाला है। तो इस डाटे में देखने लायक चीज़ें हैं क्या, मतलब वो क्या देखते हैं? देखो, जब गाड़ी तेल जलाएगी तो वो प्रदूषण करने वाले कणों का उत्सर्जन करेगी, तो वो जो उत्सर्जन कर रही है कहीं उसकी वैल्यू जो सुरक्षा नियामक है उससे बाहर तो नहीं, उससे ज्यादा तो नहीं, ये चीज वो लोग चेक करते हैं। अब कैसे करते हैं, इसको नापने का तरीका क्या है, तो ये नापा जाता है ग्राम प्रति किलोमीटर। मतलब जब आपकी गाड़ी तेल जला रही है तो वो कितने ग्राम हानिकारक कणों का उत्सर्जन कर रही है प्रति किलोमीटर, और ये छोटे और हल्के वाहनों के लिए है, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, स्कूटर हो गया, इस तरह के वाहनों के लिए। बड़े वाहनों को अलग तरीके से मापा जाता है, उनका मापने का तरीका है ग्राम प्रति किलोवाट आवर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करने में जो तेल उस बड़े वाहन ने यानी कि हैवी व्हीकल ने जलाया उससे कितना उत्सर्जन हुआ इन्हीं कणों का, जिनके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। तो बड़े वाहनों को अलग तरीके से मापा जाता है और छोटे वाहनों को अलग, और एक बार इनकी ये नाप तोल होने के बाद अगर ये फिट निकलते हैं
तो इन्हें एक सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। शॉर्ट में बोलूं तो ये जमूरा कौन कौन से माल मसाले बना रहा है, प्रदूषण करने वाले माल मसाले, तो अगर वो माल मसाले एक निश्चित सीमा से ज्यादा हैं तो गाड़ी बैन हो जाएगी। हाँ जी, पेपर पे तो हो ही जाएगी, अधिकारी तो यही कहेंगे। अब समझ जाओ मेरा क्या मतलब है, आप समझदार तो हो ही। अब इसके बाद होता है व्हीकल सेफ्टी टेस्ट, जिसमें वाहन को आगे पीछे साइड या एंगल पर अलग अलग तरीके से टकराकर देखा जाता है और ये पता किया जाता है कि वाहन चलाने लायक है भी कि नहीं। बोले तो यात्री जिंदा बचेगा या सीधा ऊपर जाएगा, और फिर उसी के आधार पर उसे रेटिंग दी जाती है। अब यहाँ पर आते हैं तीन सवाल, ये रेटिंग देता कौन है, और अगर खराब रेटिंग आई तो होगा क्या, और क्या इंटरनेशनल रेटिंग को भारत सरकार मान्यता देती है। मतलब कल को कोई कंपनी ये कहे कि जी ये देखो हम तो रेटिंग ले आए, बाहर से करवा के लाए हैं, हमारी गाड़ी बाहर सेफ है, हमें चलाने दो, तो क्या भारत सरकार रेड कार्पेट बिछा के कहेगी ले जाओ बेटा इंटरनेशनल अप्रूव है तो अपन के यहाँ तो चली जाएगी। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भारत सरकार ये कहती है कि बेटा ऐसा है, हमारे माहौल में कौन सी गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी ये हम ही बताएंगे, क्योंकि हम सड़कें ही ऐसी बनाते हैं। तो चलो अब सबसे पहले रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये रेटिंग देने का काम करता है भारत एनकैप। अब आप सोच रहे हो कि ये बंदा अभी थोड़ी देर पहले तो ये कह रहा था कि रेटिंग देने का काम ARAI करता है। हाँ जी, करता तो वही है, लेकिन भारत एनकैप उसके अंडर आता है। अब ARAI एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सारे तंत्र मंत्र यंत्र जितने भी होते हैं तोड़फोड़ करने के और टकराने के, रिकॉर्ड करने के, डाटा बनाने के, ये सब कुछ ARAI ही देता है। भारत एनकैप तो एक रेटिंग है जो ARAI के द्वारा जारी की जाती है, जैसे ग्लोबल एनकैप होती है या यूरो एनकैप है, इसी तरीके से भारत एनकैप भी है। वैसे यूरो एनकैप है कि नहीं ये मैं श्योर नहीं हूं, पर यूरो स्टैंडर्ड नाम से कोई रेटिंग तो है ये मुझे मालूम है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या ARAI अलग अलग कंपनियों के पास जाकर उनकी गाड़ियां पकड़ता है कि बेटा ये गाड़ी सड़क पे जब उतरेगी पहले रेटिंग करवा लो इसकी, क्या ऐसा है? ना, ऐसा नहीं है। दरअसल होता क्या है, जब तक किसी गाड़ी को सेफ्टी रेटिंग अप्रूव ना हो जाए वो सड़क पर जा ही नहीं सकती, मतलब मार्केट में बिक ही नहीं सकती। तो इसके लिए अलग अलग कंपनियां अपनी गाड़ी ARAI के पास जमा कराते हैं, जो उसके बाद उन पर हाथ आजमाते हैं और तोड़फोड़ करके उसको रेटिंग जारी करते हैं। तो यहां से आपको यह भी पता लग गया होगा कि भारत इंटरनेशनल रेटिंग को मान्यता नहीं देता, चाहे वो कहीं की भी हो। भारत का बिल्कुल कहना साफ, बेटा इस रोड पे चलने वाले वाहन के बारे में अपन ही डिसाइड करेगा कि ये हमारे यहाँ पे चल पाएगा कि नहीं, मतलब हमारे लोगों के लिए ये वाहन सुरक्षित है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि कोई वाहन बाहर सुरक्षित हो तो हमारे यहाँ के क्रांतिकारियों के बीच में भी ये वाहन पूरी सुरक्षा प्रदान करे, ऐसा नहीं है। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि जी अगर मान लो किसी गाड़ी को रेटिंग दी है और वो फेल हो गई, मान लेते हैं 1 स्टार या 2 स्टारों से रेटिंग मिली है, तो क्या अब उसके ऊपर बैन लग जाएगा, कोई पेनल्टी लग जाएगी, मतलब क्या वो गाड़ी बिकेगी नहीं? भाई साहब, अगर कोई गाड़ी 1 या 2 रेटिंग लेकर आई तो वो गई, ऐसा तो ना होने वाला, बिल्कुल भी ना होता। यहां तक कि जून 2024 यानी कि इस तारीख तक, जिस तारीख में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, भारत में एक भी कानून ऐसा नहीं है जो खराब रेटिंग आने पर किसी गाड़ी के ऊपर पेनल्टी लगा दे या उस गाड़ी के प्रोडक्शन को रुकवा दे, बंद करवा दे, ना जी ना, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो अब यहां पर आप ये सोच रहे होंगे तो फिर ये लोग करते क्या है, मतलब रेटिंग जारी करके क्या ये फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं या कुछ और भी करते हैं? अरे क्या बात कर रहे हो आप, फॉर्मेलिटी बहुत कुछ करते हैं, सुनो ध्यान से। ये उस कंपनी में जाते हैं, दंदनाते हुए कहते हैं बेटा ऐसा है, तुम ना रेटिंग में निकल लियो, बोले तो बिल्कुल निचले स्तर पे आए हो, यानी के उस कंपनी के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे देखो भाई सुधार कर लो, नहीं तो गाड़ी के साथ हैंकी पैंकी हो जाएगा मामला। और आपको तो पता ही है सुधार हमारे यहाँ कौन कर रहा सुधार, कोई भी नहीं। ये तो वहां जाकर कंपनी को सलाह देते हैं कि बेटा जी तुमने चलता फिरता ताबूत बनाया है ना, इसमें सुधार कर लो, रिक्वेस्ट है हमारी, इससे ज्यादा ये कुछ ना करते। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल सर्च कर लेना, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट है। अब देखो कैसी अजीब बात है, आप अपनी मेहनत का पैसा खर्च करते हो और हेलमेट ना लगाओ या सीट बेल्ट ना लगाओ तो चलान भरोगे, और ये कंपनी जो कि मुनाफा कमा रही है ये सर्टिफिकेट के नाम पर आपकी सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रही है और इनकी कोई जवाबदेही भी नहीं है। ये है हमारे देश का कानून। अगर सरकार चाहे तो ये जो ऑफिसर्स इन कंपनियों में जाकर इनको सलाह दे रहे हैं, ये चाहे तो कानून में बदलाव करके इनकी प्रोडक्शन पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो भाई साहब फिर समझ रहे हो ना वो पैकेट कहाँ से आएंगे। हाँ, इशारे में बात समझ जाया करो। चलो अब आगे आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको किसी गाड़ी की एनकैप रेटिंग चेक करनी है तो कहाँ मिलेगी। तो उसके लिए आप भारत एनकैप की वेबसाइट पर जा सकते हो, यहाँ पर हर एक गाड़ी की रेटिंग दी हुई है,
फाइव स्टार वाली भी, वन स्टार वाली भी, बीच की वाली भी, यानी कि आपको भारत में चलने वाली हर गाड़ी की रेटिंग यहाँ पर मिल जाएगी। और मेरी रिक्वेस्ट है, मारुति की रेटिंग मत देख लेना, बता रहा हूँ डर जाओगे, रात को नींद भी नहीं आएगी। मैं खुद डर गया था। अब चलते हैं फॉर्च्यूनर वाली कहानी पर कि भैया ये जो टोयोटा बाबू थे जिन्होंने आके मीडिया के सामने माफी मांगी थी, आखिर इन्होंने किया क्या था? तो देखो जी, जैसे कि हर गाड़ी टेस्टिंग के लिए जाती है तो इनकी गाड़ी भी गई थी। अब इन्होंने अपनी गाड़ी में ना मॉडिफिकेशन कर दी, बदलाव कर दिया, यानी कि जो गाड़ी टेस्टिंग के लिए गई वो टेस्ट में पास हो गई, उन्हें धड़ाधड़ 5 स्टार रेटिंग मिली। लेकिन जो गाड़ी इन्होंने प्रोड्यूस करके सड़क पर छोड़ दी, वो गाड़ियां उस स्टैंडर्ड की नहीं थी। अब ये जो झोल इन्होंने करा, ये पकड़ा गया, और जब ये पकड़ा गया तो इनके ऊपर जांच बैठ गई। अब आप ये पूछोगे कि इनकी कौन कौन सी गाड़ियां फेल हुई, तो इनकी फेल होने वाली गाड़ियों में है कोरोना फील्डर, कोरोला एक्सियो और यारिस क्रॉस। अब आप ये कहोगे कि भैया इसमें तो फॉर्च्यूनर का नाम ही नहीं है, आप का है फॉर्च्यूनर के पीछे बावले हो रहे हो, कोई पर्सनल इशू चल रहा है क्या फॉर्च्यूनर से? अरे ना रे, देखो अभी तो जांच शुरू हुई है, टोयोटा ने इन 3 गाड़ियों में ये बात कबूली है। अब जिस हिसाब से जापान की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इनके पीछे लगी है, एक एक करके सारी गाड़ियों की कमी निकालेगी, किसमें कौन सी कमी है, क्या कमी है, और धीरे धीरे ये बात पता लगेगी कि इन्होंने क्या क्या झोल किया है और किस किस गाड़ी में किया है। क्योंकि अगर ये झोल जापान में कर सकते हैं तो क्या हमारे देश में नहीं कर सकते? और हमारे देश में अमीरों की सवारी सबसे ज्यादा यही गाड़ी बिकती है, यही सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। अब यहाँ पे एक सवाल और भी आता है, क्या बाकी कंपनियां भी ऐसा काम करती हैं? तो हाँ जी, जैसे ही ये खबर खुली, होंडा, सुजुकी और मज़दा, ये तो खुद ही सामने आ गई। इन्होंने कहा कि जी हमने भी कर ली थी गलती, हो गई, अब क्या करें मिस्टेक। अब मुझे पता आपके दिल में इस चीज की तसल्ली होगी कि भैया देखो कितनी अच्छी कंपनियां हैं, गलती करती हैं और मान लेती हैं। हमारे यहाँ तो मारुति 1 स्टार लेकर अकड़ में सड़क पे घूमती है। अरे तो ऐसा ही होता है जी, सबसे सस्ती गाड़ी है। तो भैया ऐसा है, अपने देश में ऐसा ही होता है, जहां पर कानून की सख्त आवश्यकता है वहां पर तो कानून सख्त है ही नहीं, और जहां पर नहीं है वहां पर इतने कड़े कानून है कि आदमी सांस भी ना ले सके। अब देखो ऑन सीरियस नोट, जरा आप ये सोचिए कि अगर ये काम ये कंपनियां जापान में कर सकती हैं तो क्या भारत में नहीं कर सकती? और अगर टोयोटा ने ये काम जापान में कर दिया, जो कि साबित हो भी चुका है, तो क्या भारत में भी ये काम किया होगा? मतलब इस बात पे शक तो जाता है कि क्या पता टोयोटा ने ये झोल बाकी देशों में भी किया हो। तो क्या हमारे देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को टोयोटा की छाती पे जाके बैठ जाना चाहिए कि बेटा निकालो अपने फाइल पत्र कागज और चेक करवाओ कि क्या क्या कर रखा है तुमने। और दूसरी चीज ये, जब हम इतना पैसा टैक्स के रूप में देते हैं, महंगे महंगे वाहन खरीदते हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती कि इन कंपनियों के कान ऐंठे और इनसे ये कहे कि अपनी गाड़ियों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करो? ये जो 1 स्टार की रेटिंग लेके तुम दंदनाते हुए सड़क पर घूमते हो ना, ये अब ना चलने वाला। तो क्या आपको लगता है कि इस चीज के ऊपर सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए? आपके विचार क्या है इस बारे में, लिखिए अपना जवाब कमेंट में। ये है इस वीडियो का अंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।